नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद, आप देख रहे हो रेडियोग्राफी विद प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक पेशेंट का, थोराक्स वाला पेशेंट का मूवमेंट रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स। तो पेशेंट थोड़ा मूवमेंट कर दिया था स्कैन लेने के टाइम, और इसके वजह से थोड़ा आर्टिफैक्ट आ गया है एंड इमेज भी ख़राब हो गया है। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे, ये आपको कैसे पहचान पाओगे आप। ठीक है, ये सारे लेके ये वीडियो है आज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला जो आर्टिफैक्ट दे रहा है ना, इधर से ये तक ये जो दाग 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 दाग, ठीक है, इधर जो दाग दे रहा है ये वाला है आर्टिफैक्ट। ठीक है, ये पेशेंट थोड़ा मूवमेंट कर दिया था, पेशेंट थोड़ा हिल गया था, इसलिए ऐसा आर्टिफैक्ट आ गया है। देखिए इधर पूरा आर्टिफैक्ट दे रहा है। ठीक है, ये वाला जो दे रहा है ना आर्टिफैक्ट, ये पेशेंट मूवमेंट के वजह से ही हुआ है। अब देखो ये वाला जो है ना, ये ऐसे करके इधर से इधर तक ऐसे करके, ये वाला है आपका मूवमेंट रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स के वजह से ये हुआ है। ठीक है, देखो ये वाला ऐसे जो हुआ रहा, ये वाला है आपका मूवमेंट रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे देखो ये वर्टिब्रा, देखो आपका हिल गया है, ये वर्टिब्रा आपका इधर से इधर हिल गया है। ठीक है, रिब्स देखो आप हिल गया है। ठीक है, लग रहा है आपका सुपर इम्पोज हो गया है किसी के साथ। अगर ऐसे लगेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये पेशेंट हिल गया है। यहाँ पे देखो वर्टिब्रा है, यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, जब आप नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ पे देखो ये वाला इमेज देखो आप। ठीक है, ये वाला देखो, ये पूरा हिल गया है। ठीक है, वर्टिब्रा देखो आपका पूरा अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है आपका पेशेंट हिल गया है बीच में। देखिए ऐसे आर्टिफैक्ट देगा। ठीक है, आपका पेशेंट अगर हिल गया है तो ऐसे मूवमेंट रिलेटेड आर्टिफैक्ट देगा, इधर से ये हो जाएगा, इधर से ये हो गया। ठीक है, ये जो मूवमेंट हुआ है ना, इसी के वजह से ये हुआ है। तो ये थोराक्स और एब्डोमेन का एक ही टाइप का आर्टिफैक्ट्स आएगा आपका। अगर पेशेंट हिल गया है तो आपका पेशेंट इमेज में एक ही टाइप का आर्टिफैक्ट आ गया है। देखिए अभी और नीचे जाओ, ये वाला सही दिख रहा है आपको वर्टिब्रा। ठीक है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाओ, ये वाला देखो वर्टिब्रा आपको दिख नहीं रहा अच्छे से, इसका मतलब है यहाँ पे पेशेंट हिल गया है। तो ऐसे देख के आपको आप पहचान जाओगे, जब आप सीटी करोगे तब तो आपको पहचान आ जाएगा, देखने के मिल जाएगा जी क्या ये हिल गया है या नहीं। ठीक है, आप ज़रूर स्कैन लेने के बाद पूरा इमेजेस एक बार देख लीजिए, इमेजेस आपका सही हुआ या नहीं, उसके बाद ही आपको पेशेंट को छोड़ना है। अगर आपको लगे पेशेंट हिल गया है और ऐसा कुछ आर्टिफैक्ट्स आ गया है इमेज में, कोई भी इमेज में, तो आप उसको रिपीट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लग रहा है सुपर इम्पोज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है ना, 10-12 इमेज पे ऐसे आ रहा है, इसका मतलब है इस रीजन पे जब स्कैनिंग के लिए आया था तब ये पेशेंट थोड़ा हिल गया है। अभी हम देखेंगे नॉर्मल थोरक्स। ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्या हिला इमेज कैसे दिखेगा एंड जो इमेज सही है वो इमेज कैसे दिखेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं नॉर्मल इमेजेस। अभी देखो ये जो पेशेंट है हमारा, ये अलग पेशेंट है, ये पेशेंट बिल्कुल हिला नहीं है। ठीक है, वो पहले जो हिला वाला पेशेंट देखा था वो थोड़ा एजेड पेशेंट था, इसलिए बीच में हिल गया है। ये एजेड पेशेंट नहीं है, ये अर्ली एजेड है। ठीक है, ये पेशेंट बिल्कुल भी हिला नहीं है, इसका इमेजेस देखो पूरा क्लियर आ गया है। ठीक है, देखो कोई भी आपको आर्टिफैक्ट्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, पूरा क्लियर एक ही इमेज में, मतलब सारे क्लियर दिख रहा है, कोई सुपर इम्पोज वगैरह नहीं हुआ है, कोई भी आपको नहीं लग रहा है जो हाँ पेशेंट हिला है, मूवमेंट रिलेटेड आर्टिफैक्ट आया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस पेशेंट के साथ। ठीक है, तो आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है,
जो पेशेंट हिल गया है उसका इमेज कैसे दिखेगा सीटी स्कैन में, और जो पेशेंट सही है नहीं हिला है उसका इमेजेस कैसे दिखेगा, ये टॉपिक लेके ये वीडियो था। ये शायद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, ये देखो पूरा क्लियर इमेजेस है। ठीक है, पेशेंट बिल्कुल भी नहीं हिला इस स्कैन टाइम में। ठीक है, ड्यूरिंग द स्कैन। तो आज यही था एक टॉपिक, थोराक्स या एब्डोमेन, कोई भी आप स्कैन देखो, ब्रेन क्यों ना हो, नेक क्यों ना हो, फेस क्यों ना हो, ठीक है, पेशेंट का मूवमेंट रिलेटेड आर्टिफैक्ट आएगा तो आप कैसे पहचानोगे वो। पेशेंट अगर मूवमेंट कर दिया गया है, ठीक है, पेशेंट अगर मूवमेंट कर दिया है तो आप कैसे उस इमेज को पहचान पाओगे जहाँ पेशेंट मूवमेंट कर दिया है इस टॉपिक लेके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में, तब तक अच्छा रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।